तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन आपके पास होना चाहिए कि ये रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म है। जब भी रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म आता है तो आप क्या करते हो, क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो, ठीक है। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आपको जुगाड़ आना चाहिए, है ना, एडजस्टमेंट करना आना चाहिए, या फिर आप फॉर्मूला अप्लाई करिए। तो हम फॉर्मूला ही रिकमेंड करेंगे अगर आप जुगाड़ नहीं कर, मोस्टली लोग जुगाड़ नहीं कर पाते हैं। खैर, इसे कंपेयर कर लेंगे हम लोग स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ पे ए की प्लेस पे क्या है आपका, माइनस वन है, बी की प्लेस पे आपके पास क्या है, थ्री है, और सी की प्लेस पे क्या हो गया आपके पास, वन हो गया। तो डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या आ जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और बी आपका क्या है, थ्री है, तो थ्री का स्क्वायर माइनस फोर ए माइनस वन हो गया, सी वन हो गया। तो ये हो गया आपका नाइन और प्लस फोर थर्टीन, तो दैट कम्स आउट टू बी थर्टीन। अब जैसा फॉर्मूला डिस्प्ले हो रहा है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा आपका, ए टाइम्स मतलब माइनस वन टाइम्स एक्स प्लस बी बाई टू ए, तो बी कितना हो गया आपके पास, थ्री हो गया, बाई टू ए, ए मतलब माइनस वन हो गया, ठीक है, का होल स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा, डी बाई फोर ए स्क्वायर, डी आपका थर्टीन आ गया है, तो ये हो जाएगा आपके पास थर्टीन बाई फोर ए स्क्वायर, ए आपका माइनस वन है, तो माइनस वन का स्क्वायर, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, तो माइनस वन इंटू टू माइनस टू हो जाएगा, और ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस हो गया आपका। और यहाँ पे देखिए, ये माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन किसी काम का नहीं है, तो ये थर्टीन बाई फोर लिख दिया, और थर्टीन बाई फोर को आप क्या लिख सकते हो, रूट थर्टीन बाई फोर का होल स्क्वायर, लेकिन रूट फोर तो निकल जाएगा बाहर, तो सिर्फ रूट ये थर्टीन पर रह जाएगा, और रूट फोर आपका क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, तो दैट इज़ रूट थर्टीन बाई टू का होल स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। ये स्टेप आपको एग्ज़ाम में दिखाना ज़रूरी नहीं है, आपको अगर दिखा भी दिए हैं तो कोई भी हार्म नहीं है, लेकिन इस पर आपकी मार्किंग नहीं होगी। खैर, अब ये यहाँ पे हम प्लेस करते हैं, वी गेट दिस क्वाड्रेटिक इन परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म। और अच्छा, ये माइनस ये मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, अगर माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं आप, तो ये टर्म आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो इसको सीधा लिख लेते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका रूट थर्टीन बाई टू का होल स्क्वायर एंड माइनस एक्स माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्म दिखनी चाहिए कि ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, क्योंकि बोर्ड में सब कुछ दिखाना होता है, ऑब्जेक्टिव करना होता तो हम लोग को ज़्यादा करना नहीं होता, डायरेक्ट लिख देते हैं। से टी है तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, डी टी आ जाएगा, टी का वन हो जाएगा। अब ये पूरा क्वेश्चन वेरिएबल टी में ट्रांसफ़र हो गया, तो दैट कुड बी रिटेन एज ए रूट थर्टीन बाई टू का होल स्क्वायर एंड माइनस टी स्क्वायर डी टी हो गया। अब इसका ये किस फॉर्म से मैच कर रहा है, आपके पास तीन फॉर्म होती थी, उनमें से ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स टी स्क्वायर से मैच कर रहा है, जिसका पार्शियल फॉर्म साइन इनवर्स होता है। तो क्या होता है, फॉर्मूला हम अप्लाई कर दे रहे हैं, वो याद ही होना चाहिए, इसका और कोई अल्टीमेट रास्ता नहीं है आपके पास। तो वन बाई टू टी इंटू क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक आपके पास क्या है, ये जो भी क्वाड्रेटिक आपकी थी थर्टीन बाई फोर, तो थर्टीन बाई फोर और माइनस टी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, थर्टीन बाई फोर, तो थर्टीन बाई फोर ए स्क्वायर बाई टू, तो बाई टू मतलब टू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साइन इनवर्स टी बाई ए, ए क्या है आपका, रूट थर्टीन बाई टू, टू ऊपर चला जाएगा, और प्लस इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट सी। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर तो हो नहीं सकता है, टी हमारा डमी वेरिएबल है, कोई यू एज्यूम कर सकता है, कोई वी एज्यूम कर सकता है, तो हम लोग क्या करें, टी को रिप्लेस कर दें, है ना, किस चीज़ से, जो हमने एज्यूम किया था एक्स माइनस थ्री बाई टू, तो ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस थ्री बाई टू। और ये क्वाड्रेटिक टी की वैल्यू रखने के बाद सॉल्व करें और टाइम वेस्ट करें, है ना, उससे अच्छा है कि ये क्वाड्रेटिक हम सीधे यहाँ पे कॉपी कर लें, वही क्वाड्रेटिक आपकी सॉल्व होके आती है। तो ये हो जाएगा वन प्लस थ्री एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ये हो गया थर्टीन बाई एट और साइन इनवर्स टू टाइम्स टी कितना था आपका एक्स माइनस थ्री बाई टू, तो
तो x माइनस 3/2 अपॉन √13 और प्लस इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट c। एक और चीज़ देख लीजिए, 2 अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x हो जाएगा और 2 इंटू 3/2, तो 3/2 का 2 डिनोमिनेटर लकड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3। तो दैट इज़ योर फाइनल आंसर।